गीता अंजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आई रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में रेप पीड़िता 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने फांसी का लगाया फंदा। रेप पीड़िता के परिजन आनन फानन में पीड़िता को बेसुध अवस्था में उपचार के लिए पहुंचे अस्पताल में। चिकित्सकों ने छात्रा को किया मृत घोषित। 25 वर्षीय युवक ने नाबालिग छात्रा से होटल में ले जाकर किया था दुष्कर्म। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर युवक को किया गिरफ्तार व जेल भेज दिया गया। वह साथ ही होटल के दो लोगों को भी जेल भेज दिया। मेरा नाम संदीप धामा, मेरा पता उमेश पार्क बलवंतपुरा। मेरी लड़की के साथ अभी दो दिन पहले गलत घटना करी गई, रेप। क्या, कब की बात है ये, कब हुई घटना ये? अभी एक दो दिन पहले ही शाम की है। तो मुकदमा हो गया था इसमें? नहीं, मुकदमा अभी हुआ है कल। आरोपी पकड़ा गया? आरोपी पकड़ा गया। ये जो आज घटना हुई इसका कैसे हुआ, आज हुई है? आज हम मेडिकल कराने गए थे पहले गाजियाबाद। मेडिकल करा के शाम को 4 बजे वापस आए गाजियाबाद से। आने के बाद हमने खाना वगैरह खाया बाहर होटल में। 4:30 बजे घर आए हम। हम आके सोने लगे, सारे सो गए, थके हुए हारे थे दो दिन से। बेटी हमारे पास सो रही थी, हमारी आँख लग गई। मैं 6:15 बजे उठा, जब आके देखा तो मेरी बेटी ऊपर पंखे पे लटकी हुई थी। लड़की की उम्र कितनी होगी आपकी? 13 साल। तो जैसे बता रहे हैं, तो ये लड़की कैसे संपर्क में बता रहे हैं लोग? ये अभी एक हफ्ते से इंस्टाग्राम से उस लड़के ने उसको फॉलो करना शुरू करा, मेरी लड़की को, जबकि मेरी लड़की ने फॉलो बैक भी नहीं कर रखा था उसको। तो क्या परेशान भी बेटी को? परेशान भी कर रहा था, परेशान भी कर रहा था कि मुझसे मिल, मुझसे मिल, मुझे तेरे से मिलना है। और लगातार आत्महत्या करने का एक मामला सामने आया, क्या सर? ये उमेश पार्क मोदीनगर में पड़ता है, वहाँ के निवासी एक व्यक्ति हैं। इनकी 13 वर्षीय पुत्री थी, इन्होंने कल थाना मोदीनगर पर सूचना दी थी कि 17 जून को एक लड़का है जो कि 23 वर्षीय है, उसने उसका इंस्टाग्राम से संपर्क किया था। इंस्टाग्राम से एकदम संपर्क में थी कि लड़की और लड़का, और उसने मैसेज करके बुलाया और उसको अज्ञात स्थान पर ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया। इस सूचना पर तत्काल जो है थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया था तथा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है तथा समस्त वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। छात्रा का मेडिकल कराया गया, उसको पुष्टि हुई क्या? मेडिकल अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, मेडिकल का अवलोकन करके उसमें जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।